हमीरपुर के गसोता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया गया। गसोता महादेव मंदिर को हरियाणा और पंजाब से लाए गए फूलों से इस तरह सजाया गया था कि देखते हुए मन मोह उठता है। मंदिर परिसर के अंदर स्थापित स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने के लिए लोग सुबह तड़के से ही मंदिर में सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हमीरपुर के गसोता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। गसोता महादेव मंदिर को हरियाणा और पंजाब से लाए गए फूलों से इस तरह सजाया गया था कि देखते हुए मन मोह उठता है। मंदिर परिसर के अंदर स्थापित स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने के लिए सुबह तड़के से ही मंदिर में सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ी है और दोपहर बाद भी भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे हैं। वहीं हमीरपुर के शिव मंदिरों में भी सुबह से देर शाम तक भीड़ देखी गई। बता दें कि गसोता महादेव मंदिर पांडवों के समय से ही बना हुआ है और बताया जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञात वास के दौरान कुछ समय गसोता में ही बिताया था। मंदिर में मान्यता है कि कुछ भी मांगने पर मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए लोगों की अपार आस्था मंदिर में बनी हुई है। माथा टेकने के लिए आए हुए लोगों ने बताया कि मंदिर का इतिहास पांडव समय का है और उसी समय से मंदिर की पूजा के लिए लोग आते हैं। महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए दूर दूर से मंदिर में शिव भक्त आते हैं। हमने बड़ी खुशी से किया है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ शिव भोले की बहुत कृपा होती है, सभी भक्तों में बहुत कृपा रखती हैं। हम भोले शंकर से मांग रहे हैं कि हमारे की रक्षा करने हमारी, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि सदा शिव रखे हमारे को। देखिए जी, हम लोग यहाँ के लोकल हैं और मेरा गांव जो है वो छेवड़ी में पड़ता है। तो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से जो सुना है, ये जो मंदिर है इसकी हिस्ट्री पांडवों के टाइम से जुड़ी हुई है। और हम लोगों ने ये सुना हुआ है कि यहाँ पे एक किसान जो था वो हल जोत रहा था, और हल जोतते जोतते जो है वो शिव महादेव की जो शिवलिंग है उसके साथ उसकी टक्कर हुई और वहाँ से दूध बहने लगा। तो हम लोग इसको मानते हैं और जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। फूल फूल चढ़ाए ने बिलपत्री ने जाल चढ़ाए क्या मानता क्या इसके बनता है कौन मंदिर जा रहा है एड़ा नहीं पता मैं जो कोई जी एड़ा पता। ये व्रत हम इसलिए करते हैं ताकि कुछ भी अपनी कोई भी इच्छा हो वो मांग सके हम भगवान से। और बाकी बस है, आज हम शिव भगवान के भजन करते हैं, आरती करते हैं, उन पे बिल पत्री चढ़ाते हैं, उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं। जय भोले। एक तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और पांडव से काल से जुड़ा हुआ है ये मंदिर, और यहाँ पे जो भी सोमवार का व्रत करता है और मानता है अपनी आस्था से उसकी हर मन्नत पूरी होती है। तो इसीलिए हम भी हर साल व्रत करते हैं और हर साल यहाँ पे आते हैं। तो अब आज ये शिव जी जो है ना शिवरात्रि वाले दिन जो है तो सभी लोग मंदिरों में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है ये। मंदिर के महंत राघवानंद महाराज ने बताया कि मंदिर शिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रदेश के बाहर से भक्त आते हैं, और उन्होंने बताया कि शिवरात्रि पर्व भी मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह से ही मंदिर में लोग जुटने शुरू हो गए थे जो कि देर रात तक चलेगी। हाँ, शिवरात्रि विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड में आज शिव और शक्ति का एक मिलन का विशेष अवसर है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब सिद्धपीठ महादेव गसोता में प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर होने के नाते संपूर्ण प्रदेश से ही नहीं, दूर दराज से भी, दिल्ली पंजाब हरियाणा से भी भक्त लोग श्रद्धालु लोग यहाँ महादेव गसोता के कृपा पाने के लिए, दर्शन करके अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारते हैं। यहाँ हर प्रकार के श्रद्धालु को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि किसी को कोई प्रकार का असुविधा न हो। और आज प्रातःकाल से ही 3 बजे रात्रि से ही ये निरंतर भक्तों का श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, और अभी रात्रि में 4 पहर की पूजा होगी जो विशेष शिव जी का पूजन माना जाता है, और रात्रि में ही हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध गायक का जगराता भी है
जो संपूर्ण हमीरपुर से तो करीब करीब बहुत संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं और शिव जी के दर्शन के साथ साथ इस जगराते का लाभ लेते हैं। और कल 5 तारीख मंगलवार को विशाल भंडारा होता है, आज से ही नहीं प्राचीन परंपरा चली आई है शिव जी का। ये विशाल भंडारा में दूर दराज से लोग भगवान शिव के इस विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं तथा जन्म जन्मांतर युगांतर कल कल्पांतर के पापों का अंत करते हैं और पूर्ण का उदय होता है। ऐसे शुभ अवसर पर चारों तरफ से मंदिर को विशेष देखभाल में हर तरह से संपूर्ण क्षेत्रवासी के सहयोग से कलकत्ता और दिल्ली से फूल मंगा करके दुल्हन की तरह सजाए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो दूर से आ रहे हैं उनको हर प्रकार से यहाँ दर्शन करने का सुविधा मिल सके और सभी की मनोकामनाएं निरंतर पूर्ण होती रहे। हमारी मंदिर विकास कमेटी है, वह भी श्रद्धालु के सुविधा व्यवस्था के लिए संपूर्ण परिश्रम के साथ संपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे हैं। स्वच्छता के साथ साथ सफाई के साथ साथ सबकी संपूर्ण व्यवस्था और शासन प्रशासन के तरफ से भी संपूर्ण विशेष निगरानी रखी गई है कि गसोता महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर घोटा भी आकर्षण का केंद्र रहा है और युवक घोटे का आनंद लेते हुए देखे गए। आइए देखते हैं किस तरह से घोटा तैयार होता है और इसका क्या प्रयोग किया जाता है। शिव जी का घोटा है सर। शिव जी जब भी अपने अंतर ध्यान में जाते थे तो वो घोटा पीते थे, ठीक है। घोटा पीने से क्या है, ये कोई नशा नहीं है, जिस तरह से नई हमारी पीढ़ी जो बोल रही है कि नशा है, नशा नहीं है ये। इसमें हमने बहुत कुछ मिलाया हुआ है, इसमें बादाम भी हैं, काजू भी हैं, आपके दाख भी है, काली मिर्च भी है, अजवाइन भी, हर चीज़ का मिक्सचर है ये। इसको पीने से आपकी पाचन क्रिया ठीक रहती है। सबसे बड़ी चीज़ शिव जी का मेन क्या चीज़ था, शिव भगवान जो थे हमारे वो अंतर ध्यान में जाते थे, वो युगों युगों बीत जाते थे हमारे इसके अंदर, ठीक है। युगों युगों बीतने का क्या मतलब है कि वो अपने साधना में चले जाएंगे एक बार तो बरसों के बाद वापस लौटते थे। इस संदर्भ में बहुत सारी कथाएं भी हैं हमारी, प्राचीन कथाएं इसके बारे में बहुत सारी हैं हमारे। इसके अंदर जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पार्वती जब शादी करी थी, मेन शिवरात्रि का त्यौहार तब मनाया गया था, राजा दक्ष ने अपने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया था इसके बारे में कि आप क्षय हो जाएंगे, क्योंकि उनकी दो पुत्रियाँ थी, वो एक को ही महत्व देते थे, दूसरी को नहीं देते थे। इसके बाद क्या हुआ, शिव जी की पूजा की गई, शिव जी ने वरदान दिया चंद्रमा जी को कि आपको मैं अभिदान देता हूँ सर, कि एक आपका 15 दिन तक आपका जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा और फिर उसके बाद इंक्रीज होता जाएगा। वो चीज़ अभी भी हम देखते हैं, जो हमारे अभी हम अभी भी देखेंगे इस चीज़ को, तो चंद्रमा का पहले 15 दिन जो है बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा, फिर 15 दिन वो इंक्रीज होता जाएगा, जब पूर्णिमा बोलते हैं हम लोग। इस संदर्भ में बहुत सारी कथाएं हैं आगे से आगे। इस जिस दिन हमारा ये चीज़ हुई थी, जिस दिन चंद्रमा को शिव जी ने अपने शीश के ऊपर धारण किया था, उस दिन को हम बोलते हैं महाशिवरात्रि। इस दिन सती माता हमारे शिव जी से मिले थे, इसलिए हम बनाते हैं। और घोटे बनाने का मतलब क्या, शिव जी अपने मंत्र ध्यान में रखते थे, जैसे कभी शमशान घाट में पूजा अर्चना करते थे अपनी, तो इन सब को प्रक्रिया से एक संदर्भ में बनाया गया है, इसी को हम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। ये हमारे हम कल रात से ही इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं सर। यहाँ से हमने पहले हमारी जो भांग होती है उसको हमने उबाला तांबे के लोटों में, ठीक है, तांबे के लोटों के बाद उसको हमने 101 पानी से धोना पड़ता है, बिल्कुल साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो जहरीला पदार्थ होता है इसके अंदर वो निकल जाता है उससे, फिर हमारे पास बच जाता सूखा सूखा सा। इसके बाद हमने इसमें 10 किलो 20 किलो काजू डाले हैं, बादाम डाले हुए हैं, ठीक है, अपना काली मिर्च डाली है, सौंफ डाली हुई है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। बहुत हमने कम से कम 200 किलो तक हमने बनाया है इस चीज़ को। नहीं, सभी पी सकते हैं, जो भी इच्छुक होता है इसका, ऐसा